इसके अलावा आपका दांत थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। सबसे खूबसूरत बात अगर है ये फैसलाबाद से आया है और आज से तकरीबन 5 साल पहले इसने जब देखा कि मैं फाइटर पे बहुत अच्छा कमा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा फ्रीलांसर बन चुका हूँ, मैं सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बन चुका हूँ, तो उसने अपनी सारी जिंदगी को फलाह के कामों के लिए वर्क कर दिया और ये अब तक कई मुख्तलिफ सोसाइटी में मुख्तलिफ सोशल एनजीओ से काम कर रहे हैं, ब्लड रिलीफ प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की फैसलाबाद चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा कई सोसाइटीज को उसमें काम कर रहे हैं और उनकी जो खिदमत है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए और खासकर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए वो बहुत ही काबिल कदर है और इस तरह के जो नौजवान हैं वो हमारा सरमाया है। आपकी भरपूर तालियों में सरशी पाते हैं, हमजा करिए। कैसे आप सब? तो मेरा इंट्रोडक्शन मुख्तार भाई ने करवा दिया होगा आपको, तो मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे पिछले 4 साल हो चुके हैं दाव खोल के से मैं फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से और डिफरेंट एन जी ओ के साथ कनेक्ट हूँ और एज अ पब्लिक स्पीकर अपनी सर्विसेज डिफरेंट इदारों में मैंने सर्व की। तो आप यहाँ पर मुझे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बोलने का मौका मिला है कि हमारी सॉफ्ट स्किल जो है वो हमारी ग्रोथ और हमारी अर्निंग पोटेंशियल जो है इसमें कितना मैटर करता है। तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप नुमान भाई के लिए और डायरेक्ट के लिए एक जोरदार टैपिंग करें। अच्छा, अभी हम एक मिनट के ना पावर को देखेंगे, पावर ऑफ 1 मिनट। आपने करना क्या है, अपनी सीट से खड़े हो जाना और 1 मिनट आपके पास टाइम होगा और वो 1 मिनट हर शेप का डिफरेंट होगा। आपने खुद 1 मिनट को काउंट करना है कि मेरा 1 मिनट हो गया या नहीं। सबसे पहले आपने उठते साथ अपने लेफ्ट या राइट जो आपके पार्टनर बैठा है उसको स्माइल पास कर दें, क्योंकि स्माइल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाए और आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखें और एक मिनट में आपके पास आपने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करना है। 30 सेकंड आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है और 30 सेकंड दूसरे का सुनना है। 1 मिनट मैं वेट करूंगा, 1 मिनट देखते हैं। पावर 1 मिनट क्या है? लेट्स स्टार्ट। किसी को आइडिया नहीं है?
अभी इतनी बात हुई यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स की, सॉफ्ट स्किल्स की, तो आप लोगों को पता तो होगा सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। अच्छा चले ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स के साथ आपको बूस्ट अप करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी के साथ बात कैसे करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टेज पर खड़ा होकर क्या मैसेज दे रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ, ये मेरी सॉफ्ट स्किल्स है। कुछ सॉफ्ट स्किल्स के नाम आपके सामने यहाँ पर स्लाइड पे शो भी होंगे। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज द मदर ऑफ ऑल सॉफ्ट स्किल। सेकेंड सॉफ्ट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। थर्ड सॉफ्ट स्किल का नाम आता है टाइम मैनेजमेंट। ये वो सॉफ्ट स्किल है जो हम सबको पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम इसको अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करें। अब कम्युनिकेशन, आप यहाँ पर बैठे हैं, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो बेसिकली आप अपनी कौन सी स्किल यूज करें, कम्युनिकेशन स्किल। आप अपने सारे दिन को कैसे गुजारते हैं, कौन सी स्किल यूज करें, टाइम मैनेजमेंट स्किल। आप कहीं पर स्टेज पर जाकर बोलते हैं तो आप कौन सी स्किल यूज करें, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आप एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कौन सी स्किल यूज करें, नेटवर्किंग स्किल। इसके अलावा बेशुमार सॉफ्ट स्किल है, और एक और इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्या हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हमारी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम आते हैं डेली बेस पर, हम उसके साथ किस तरह से डील करते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरह से होता है। तो ये एक लिस्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल थी जिनके चंद मैंने आपको नाम बताया। तो अभी हम ये समझेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। कोई बताना चाहेगा सॉफ्ट स्किल्स को? हमें इधर काफी स्पीकर आ रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल, कंसिस्टेंसी, इंटरपर्सनल स्किल, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, सवाल तो है ना, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। सॉफ्ट स्किल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए हम एक सर्वे कर रहे हैं। अब रिसर्च करें 85% लोग जो दुनिया के अंदर सक्सेसफुल है वो अपनी सॉफ्ट स्किल की वजह से, 15% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी टेक्निकल स्किल की वजह से या नॉन टेक्निकल स्किल की वजह से। अभी यहाँ पे सारे शाम की बात करेंगे कल ये कि अगर आपको टेक्निकल स्किल आती है लेकिन आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी नहीं है तो आप जिंदगी में इतना आगे नहीं जा सकते जितना आपको जाना चाहिए। मतलब ये है कि 85% मैटर करती है आपकी सॉफ्ट स्किल, और 15% ये मैटर करता है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको फ्रीलांसिंग आती है या नहीं आती। आती है ठीक है, आप उसे अर्निंग करेंगे, लेकिन आप एक अंपायर बिल्ड नहीं कर सकते, आप खुद को ब्रांड नहीं बना सकते। अगर आपने ब्रांड बनाया खुद को तो आपने अपनी सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कैसे करते हैं, अब हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी गहराई में नजर डालते हैं। हमारे फ्रीलांस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े गुरु हैं ईशान शर्मा साहब, नाम सुना होगा आपको ईशान शर्मा साहब का। ईशान सर कहते हैं कि या तो आपकी बात किसी के दिल में उतर जाती है या तो आपकी बात किसी के दिल से उतर जाती है। मतलब कहते हैं मैटर करती है आपकी सॉफ्ट स्किल कि आप किस तरह से बात करते हैं, आप किस अंदाज से बात करते हैं, आपका अंदाज मैटर करता है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कम्युनिकेशन आती है तो आप उस कम्युनिकेशन को यूटिलाइज किस तरह करते हैं, क्या आपकी बात किसी के दिल में उतर रही है या उसके दिल से उतर रही है। तो ये बात करने का जो अंदाज है ये कम्युनिकेशन स्किल। और एक और बात, हमारे घरों में अक्सर हमारे दोस्तों के साथ अक्सर झगड़े जो होते हैं वो हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। उसकी रीजन क्या होती है कि हम प्रॉपर तरीके से उनको अपना मैसेज नहीं देते हैं, हम उनको आधी बात बताते हैं आधी बात नहीं बताते, तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से झगड़ा हो जाता है, आपस में गलत फहमियां पैदा हो जाती है। तो कम्युनिकेशन की वजह है वो मतलब आप सोच रही है, आप यूं कह रहे हैं कि जिसको कम्युनिकेशन किया नहीं जाती वो शायद लाइफ में एक्सेल ना कर सके। उसके बाद
कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली, हमने देख ली, हम नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसको हम किस तरह डील करें, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उनको किस तरह से हम डील करें। अब कुछ लड़के या लड़कियां क्या कर लो अपने प्रॉब्लम के दरमियान बड़े रिलैक्स होते हैं। आपको मैं अक्सर देखा होगा कि उनका मूड क्यों नहीं होता, अगर उनके मार्क्स एग्जाम में कम भी आते हैं तो उनको प्रेशर नहीं होता। अब लड़कियों के 99% मार्क्स आ जाए तो लड़कियां कहते हैं हमारे 1% कम ही हो। मतलब मिसाल के लिए ये मकसद है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डील किस तरह करते हैं अपनी लाइफ में। हमारी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती नहीं जितनी हम उसको क्रिएट करते हैं। एक क्वेश्चन है, फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। दोबारा सुनो, फोकस ऑन द सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। कि आप जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम पर फोकस न करें, उसका सॉल्यूशन पर फोकस करें कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है। अब मैं इस प्रॉब्लम में फंस चुकी हूं लेकिन इसका कोई हल तो होगा ना। वो पुराने पास जाएगा, आपने सुनी है कि हर मुश्किल के बाद आसान है। तो मुश्किल तो आ गई लेकिन उसको आसान कैसे करना। पहली बात, एक तो वो मुश्किल अल्लाह की तरफ से आजमाई हो सकती है और दूसरी हमारी अपनी की हुई गलती भी हो सकती है। अब जो आजमाई है उसमें हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, हम उसमें अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे इस मुश्किल को आसान कर दे। लेकिन सिर्फ दुआ नहीं करते, आपने उसकी तमाम भी करना, आपने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना कि प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमें किस तरह से हाई करते हैं। पाकिस्तान में 70% ऐसे लोग जो प्रॉब्लम के अंदर घबराए हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और डिप्रेशन की गोलियां रहते हैं, वहां तक के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सिर्फ इतना सा मसला होता है, मान पाए असल में मसला कहां है, हमारी जो दिमागी बिहेवियर है ना वो बड़ी होती है। वो कहते हैं ना परेशानी हालात से नहीं ख्याल से पैदा होती है, हम खुद ख्याल इस तरह के लेके आते हैं कि वो परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल बढ़ती है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अभी काफी स्पीकर आए हैं आपके सामने बोल के गए हैं और आए हैं। तो ये कौन सी स्किल, पब्लिक स्पीकिंग की हर शख्स स्टेज पे आकर नहीं बोल सकता, ये मैं 100% गारंटी से कह रहा हूँ। उसकी रीजन क्या है, हमारे अंदर एक खौफ होता है, खौफ हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने यहां से आकर बोल दिया, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, तुम अपने करने कर दो जो होगा देखा जाएगा। तो पब्लिक स्पीकिंग को हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, आज से 6 साल पहले जब मैं मैट्रिक में था उस वक्त की आपको बात बताता हूँ कि मुझे स्टेज पर आके बोलना नहीं होता था, मेरी टांगे काम थी। मुझे एक टीचर ने कहा यार आप अच्छा बोल रहे थे लेकिन आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं थे, और वो बात मुझे दिल पे लगी, यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है। मैंने उस दिन से कैमरे को फेस करना शुरू कर दिया, मैंने उस दिन के बाद मिरर को फेस करना शुरू कर दिया, कैमरे के सामने बोलो गलत बोलो कुछ भी नहीं हो, अपने ही कहते ना। पहले दिन वीडियो रिकॉर्ड करो और लगातार रिकॉर्ड करते जाओ करते जाओ, फिर आपने फर्स्ट वीडियो देख लेना और जो आपने आज रिकॉर्ड किया वो वीडियो देख लेना, आपको 100% यकीनी तौर पर इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। एक तो ये तरीका है कि आप कैमरे को फेस करना सीखे, पब्लिक स्पीकिंग की लागू खुद का खुद इम्प्रूव करें। सेकेंड, आप सबके घर में मिरर होगा, चंगी करते होंगे, मेकअप करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, तो बजाय इसके कि उस शीशे के सामने सिर्फ कंघी करने के, क्रीम लगाने के, पाउडर लगाने के, आप अपने बारे में बात करें, आप खुद के बारे में बात करें कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं अगर
पावर के बारे में बात नहीं करते हो। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो कोविड-19 2020 के अंदर बनाई यूट्यूब पर, और बगैर इस डर के लोग क्या कहेंगे, लोगों ने बहुत बातें की, इतनी बातें की कि आप सोच रहे थे, लोगों ने कहा आपकी वॉइस नहीं थी, आपकी एडिटिंग नहीं थी, आपका नॉइस रिडक्शन नहीं थी, आपकी वॉइस के अंदर इतना नॉइस है कि मैं एक दफा तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका था कि अब क्या किया जाए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उस दिन से लेके आज तक 300+ यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की है, आज वही लोग क्लैप करते हैं। अगर फिर बात कंसिस्टेंसी पे जाती है, सबसे पहला लेक्चर कंसिस्टेंसी पे था, आज आपकी बात सारी कंसिस्टेंसी पे, फाइबर की बात करता हूँ, फाइबर पर मैंने फर्स्ट ऑर्डर 2 वीक्स बाद कंप्लीट कर लिया, मुझे मतलब मैंने जब अकाउंट कराया 2 हफ्ते बाद मुझे ऑर्डर आया, उसके बाद मैंने 7 मंथ वेट किया सेकेंड ऑर्डर के लिए, 7 मंथ। आप इमेजिन कर सकते हैं आज के नौजवान में सबर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वो वेट ही नहीं करता, वो वेट ही नहीं करता कि हो सकता है मेरे लिए इससे आगे बेहतर हो। तो अपने टाइम का इंतजार करें, आपका टाइम जरूर आएगा, कहते ना आप उनका टाइम भी आएगा, तो वो टाइम आता है हर किसी की लाइफ में आता है, लेकिन आप उस वक्त जाग रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या तो आप हर वक्त जाग के रहना, सोना नहीं, क्योंकि अब सोने वाला जमाना खत्म हो चुका है, दुनिया के साथ कम्पीट करना है हमने, यूरोप के साथ, इंडिया के साथ अगर कम्पीट करना है तो आप सब और मैं, हम जो नौजवान नस्ल हैं पाकिस्तान की, जब तक ये हिम्मत नहीं करेंगे, ये नहीं जाएंगे, तब तक पाकिस्तान को कोई भी नहीं जगा सकता। उसके बाद हमारी जो सोच की आती है वो टाइम लगेगी, हर पाकिस्तानी का टाइम लगेगा, हर थोड़ी टू से आज भी टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमी नजर आती है, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं होता टाइम मैनेजमेंट, इसकी कई रीजन है, इसके पीछे बहुत सारी वजूहत होती है कि टाइम मैनेज क्यों नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यूरोप में या किसी फॉरेन कंट्री में जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो टाइम को दी जाती है, क्योंकि आप कहीं भी जो चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आपका टाइम, पैसा बहुत है, सबसे पहली चीज़ आपका टाइम, अगर आप टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इससे बड़ी दुनिया में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जाए, यहाँ एक टेक्निक का नाम लिखा है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक ये है कि आप अपने मोबाइल या अपने वॉच के ऊपर 25 मिनट का जो टाइमर वो सेट करो, कोई भी काम करो, बिफोर डूइंग एनी टास्क सेट अ 25 मिनट ऑफ टाइमर ऑन योर मोबाइल और ऑन योर वॉच। तो उसका फायदा क्या होगा, जब आप घड़ी पर रहेंगे कि आपने 25 मिनट के अंदर ये टास्क कंप्लीट करना है, तो एक तो आपके अंदर फोकस आ जाए, दूसरा आपकी डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद रिमूव हो जाए, क्योंकि आपने गोल सेट कर लिया कि 25 मिनट मैंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ वो काम करना जिसके लिए मैंने टाइम सेट किया। और एक आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा, अब आप इधर उधर इधर हार हार, अब फिर भी नहीं समझ आ रहा, फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा, 25 मिनट का टाइम सेट करें, फुल फोकस के साथ अपने दिमाग को और कहीं नहीं ले गया, जब उस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें कि मैंने 25 मिनट में कर रहे, अगर आप 25 मिनट में कर रहा सके तो समझ जरूर जाएंगे किसको कर रहे। तो ये है पोमोडोरो चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट बतानी थी कि आप अपने पेपर पर किया करें, जो भी आपके गोल है उनको पेपर पर लिख डाउन। तो जब पेपर पर होता है तो आपको पता होता है कि मैंने आप लिस्ट बनाई है, टू डू लिस्ट है, तो मैंने अब काम करना है, तो आप वो काम करते हैं। अब हमारा सेशन जो मेरा वो एंडिंग की तरफ है, लास्ट में आपको सॉफ्ट स्किल की अर्निंग पोटेंशियल बता दूँ कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन के अर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनी से करा के एज अ ट्रेनर आप अपने ऊपर सर्विसेज कर सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर कर सकते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पर कॉन्टेंट क्रिएट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप एचआर कर सकते हैं किसी कंपनी।
सामग्री में जो केंद्र नियुक्त करते हैं या प्रेजेंटेशन देने वाले जो होते हैं वो आप बन सकते हैं। तो ये इसके अंदर अवनी पोटेंशियल भी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। अब आगे चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की थी, वो ये है कि कुछ चंद अहम और जनरल बातें जो आप लोगों से करना जरूरी है। इकबाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपके हर वो शख्स जो यहाँ पर बैठा है वो इस कौम की, इस मुल्क की तरक्की का जिम्मेदार है, हर वो शख्स जो यहाँ पर बैठा है। अगर आप लोग आज जो कुछ यहाँ पर सीखें जाकर अब आगे तीन लोगों को सिखा दें तो हमारे मुल्क में एक चेंज आएगा, हम लोगों को सिखाना शुरू करेंगे। जो आप लोगों को पता है आगे सिखा दें, टीम वर्क है। टीम वर्क का फायदा यह होगा कि आपके साथ वाला जो बंदा है वो भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। बिल गेट्स कहता है कि इफ यू शेयर $1 विद मी एंड आई विल शेयर $1 विद यू, ये $2 वाले होंगे, $1 आपने दिया, $1 मैंने दिया, $2। लेकिन रहा तो $1। अब अगर वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ एक आइडिया शेयर करें और मैं भी आपके साथ एक आइडिया शेयर करूँ तो दो आइडियाज होंगे, और जब दो आइडियाज होंगे तो वो दोनों को उनको जब इंप्लीमेंट करते हैं तो लाइफ हम बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने स्पीच को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, आप सबने ध्यान रखना। तो आप एक बात को लाजमी पढ़ा करें।